Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. So let's make it together. Hello students, welcome to Wings Ek Udaan. मैं हूं तानिया शर्मा आपके साथ और आज हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो आज हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में. सो व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करेगा अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए. ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प के बिना. सो इन विच ऑर्गेनिजम्स के नॉट मेक देयर फूड एट देयर ओन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, मतलब मेनली किस पे डिपेंड करते हैं ये? प्लांट्स पे. दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ट्रैप सनलाइट एट देयर ओन. सो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर बीइंग डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स. वो किस तरह का खाना खा रहे हैं उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को तीन ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है. हर्बीवोर्स, आपने सुना हुआ हर्ब्स, हर्बीवोर्स जो सिर्फ यू कैन से घास फूस पे जिंदा रहते हैं. ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स, ओनली प्लांट ईटर्स, जिनको हम वेजिटेरियंस भी बोलते हैं. ठीक है, सो दे आर व्हाट? हर्बीवोर्स विच ईट ओनली एंड ओनली प्लांट्स. उसके बाद कार्निवोर्स, वो जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मतलब फ्लैश ईटर्स, मीट ईटर्स. ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स एनिमल्स या कार्निवोर्स जो हैं बोलते हैं. नाउ थर्ड इज ओमनिवोर्स. ह्यूमंस कैसे हैं? ओमनिवोर्स, जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. ठीक है, सो दे डिपेंड ऑन बोथ, और यू कैन से दे ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स. एंड ह्यूमन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम पढ़ेंगे. राइट, सो मेजरली इन एनी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देयर आर बेसिकली फाइव स्टेप्स. ओके, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज योर इंजेशन. इंजेशन मतलब खाना अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड. आपने खाना लिया और मुंह में डाला, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन. ओके, इनटेक ऑफ फूड. नाउ द नेक्स्ट वन इज डाइजेशन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द लास्ट लेक्चर कि जैसे ही खाना अंदर जाता है और क्या होता है, उस पर एंजाइम्स एक्ट करती हैं. ठीक है, तो इस टाइप की हमने न्यूट्रिशन को क्या बोला था? होलोजोइक. तो ये जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें पांच स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ये कैसी न्यूट्रिशन है? होलोजोइक टाइप. ठीक है, ह्यूमंस में ऐसे ही होता है. राइट, सो डाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप, इंजेशन इज द फर्स्ट स्टेप, डाइजेशन इज द सेकेंड स्टेप. इसमें क्या होता है? जो फूड है वो टूटता है. ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में और एब्जॉर्ब होने वाले उसमें, लाइक आप जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो छोटों में टूट के, और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स थे जो वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गए. तो ये सारी चीजें किसमें की जाती हैं? सेकेंड स्टेप में, दैट इज योर डाइजेशन. नाउ द थर्ड वन इज योर एब्जॉर्प्शन. अब डाइजेशन हो गई, अब वो खाना आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाना जरूरी है, उसी से आपको एनर्जी मिलेगी. राइट, सो द थर्ड स्टेप इज योर एब्जॉर्प्शन. तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में, आपके ब्लड में जाएगा. उस स्टेप को क्या कहेंगे? उस स्टेप को हम कहते हैं एस एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो गया वो जो डाइजेस्टेड फूड था, इट गॉट एब्जॉर्ब इन योर ब्लड, इन योर बॉडी. सो दैट इज योर एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज योर फोर्थ स्टेप, दैट इज योर एसिमिलेशन. अब वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको यूज करना, क्योंकि अगर आप याद करो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? खाना खाना और उसको यूज करना. राइट, तो अब ये वो स्टेप आ गया.
जो एब्जॉर्ब फूड है उसको यूज करो एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर के लिए. एनर्जी के लिए काम जितने आपने करने हैं, बॉडी ग्रो करती है. अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट बॉडी जो है वो ताउम्र ग्रो करती है, और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एक पर्टिकुलर एज तक, राइट. बट कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे जो लाइक हेयर्स, नेल्स, ये फॉर एवर ग्रो करते हैं. तो ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर, कोई सेल आपका डेड हो गया, कहीं लग गई वूंड है, उसको रिपेयर करना है, उस सब के लिए भी एनर्जी चाहिए. सो दैट इज फॉर रिपेयर थिंग. एंड द लास्ट वन इज योर इजेशन. इजेशन मतलब इजेक्शन, बाहर बाहर निकाल देना. सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन, जिसको हम बोलते हैं फीकल मैटर. ठीक है, तो जो आप वेस्ट मटेरियल्स है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो, दैट इज योर इजेशन. सो याद रखना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड द फिफ्थ वन इज योर इजेशन. ठीक है, तो ये फाइव स्टेप्स होते हैं टिपिकली किसी भी हिटीरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में. सो अगर हम अब अपनी बात करें ह्यूमन की, राइट, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें. या बेटर, तो ये आपको जाना माना प्राणी लग रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी का, तो मतलब इट्स योर बॉडी. तो हाउ डाइजेशन हैपेंस इन ह्यूमन बॉडी, यहां से देखोगे माउथ से आप खाना अंदर डालते हो, ठीक है, और यहां से होता हुआ ईसोफेगस से, जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हो, फूड पाइप से होता हुआ खाना कहाँ जाता है, आपके स्टमक में जाता है. स्टमक कैसा है आपका, जे शेप्ड है, ठीक है, लेफ्ट टाइप टाइप. आपकी एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे क्या होता है आपका स्टमक, तो ये जितना एरिया है, सॉरी, जितना एरिया है इसको अगर मैं बोलूं तो मैं इसको कहूंगी एब्डोमेन. ठीक है, एब्डोमेन में आपका लिवर, पेंक्रियास, इंटेस्टाइन्स, स्टमक सब कुछ आ जाएगा. उसके बाद ही आपका गॉल ब्लैडर आ गया, ये लीवर आ गया, पेंक्रियास आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनका रोल क्या है डाइजेशन में, हाउ एक्चुअली इट हैपेंस. बस मैंने आपको ये पाथवे बता दिया कि यहाँ से खाना जाएगा पेट में, जाएगा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में घूमता हुआ, फाइनली यहाँ से आपका जो वेस्ट मटीरियल है वो बाहर निकल जाएगा. नाउ लेट्स डिस्कस इसका एक एक स्टेप ह्यूमन बॉडी में होता कैसे है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं माउथ में, ठीक है, खाना आपने मुंह में डाला, तो जैसे ही माउथ में खाना गया, आपने सेंस किया होगा, आप कहीं भी खाने के बारे में सोचते हो या स्मेल आता है तो हमारे मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है, वॉटरी हो जाता है हमारा माउथ, राइट. तो वो किसकी वजह से होता है, सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो होता है स्लेवरी ग्लैंड्स की वजह से. ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड्स मतलब जहां से सलाइवा रिलीज होता है, तीन पेयर होते हैं मेनली, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर. ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर. पहले आप प्लीज ये समझ लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. तो मैंने आपको क्या बोला, मेजरली कितने, थ्री पेयर ऑफ ग्लैंड है. अदरवाइज माइन्यूट तो बहुत सारे आपके जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वो होते हैं. ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है, आपके कान के पीछे इस एरिया में, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होता है. सबलिंगुअल, लिंगुअल मतलब टंग, आपकी जीभ के नीचे, आपकी टंग के नीचे सबलिंगुअल, एंड इन दिस एरिया इट इज व्हाट, इट इज सब मैंडिबुलर, आपके मैंडिबल्स के पास. ठीक है, सब मैंडिबुलर. तो ये समझ में आ गया, ये सब मिलके क्या करते हैं, बहुत सारा सलाइवा जो है रिलीज करते हैं आपके माउथ में. अब माउथ किस किस का बना है मेजरली, टीथ और टंग का. ठीक है, टीथ का काम क्या है, फूड को कट करना छोटे छोटे पीसेस में, ग्राइंड करना, मास्टिकेट करना. ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. मेजरली जिनमें एक एंजाइम होती है, इस एंजाइम का नाम आपको दोस्तों याद रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
It is what? Slavery amylase. Amylase क्या करती है? जितना भी कार्बोहाइड्रेट आपके मुंह में होता है उसको तोड़ती है और किसमें कन्वर्ट करती है? शुगर में कन्वर्ट कर देती है. लेकिन सारा का सारा जो आपका स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो 100% डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन नहीं होता. लेकिन यू कैन से लाइक द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द माउथ. और आपने फैट खाया होगा, प्रोटीन खाया होगा, विटामिन्स लिए होंगे, मिनरल्स लिए होंगे, कोई भी और न्यूट्रिएंट जो है वो आपके माउथ में डाइजेस्ट होना स्टार्ट नहीं होगा. बट स्टार्च इज द कार्बोहाइड्रेट इज द वन विच स्टार्ट्स इज डाइजेशन इन योर माउथ ओनली. ठीक है, और वो कौन करता बेटा? वो अमाइलेज. आपको याद रखना है. सो दिस इज द रिएक्शन विच यू हैव टू मेमोराइज. ठीक है, स्टार्च क्या करता है? स्लेवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में इसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ओके, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद ओके, इफ यू वांट टू नोट डाउन तो आपको बस यही याद रखना है, अमाइलेज दिस रिएक्शन. और जो मैंने यहां तीन ग्लैंड्स लिखे थे, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड योर सब लिंगुअल. ठीक है, उसके बाद ईसोफेगस. आपको याद रखना है ईसोफेगस क्या है? आपकी फूड पाइप है. ठीक है, आपके माउथ से जो ये पाइप आ रही है आपके पेट तक, ये क्या है? आपकी फूड पाइप. तो इसमें नो डाइजेशन, याद रखना, ईसोफेगस में किसी भी तरह का एंजाइम नहीं होता, इसीलिए ईसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन जो है वो नहीं होता है. ठीक है, अब क्या है? जो आधा डाइजेस्टेड, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है वो माउथ से कहां चला जाएगा? फूड पाइप में, जिसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? लेट्स से दिस इज योर फूड पाइप, यहां से खाना अंदर आया, तो ये क्या करेगा? मसल्स यहां से बिल्कुल इसको कंट्रैक्ट कर देगा. जब आप, इट्स लाइक अ पाइप, आप एक पाइप को, पानी की पाइप को जोर से कंट्रैक्ट करते हो तो उसका जो कंटेंट है पानी वो नीचे चला जाता है. इसमें भी खाना कहाँ आ जाएगा? यहाँ. फिर ये इसको यहां से कंट्रैक्ट करेगा, खाना आ जाएगा नीचे. फिर यहां से कंट्रैक्ट करेगा, खाना नीचे. तो इसी तरह कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. और इसी वजह से खाना क्या है आपका, कहां तक पहुंच जाता है? आपके स्टमक में पहुंच जाता है. ठीक है, तो ईसोफेगस का कोई काम नहीं था, बस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको उसमें याद रखनी है. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर, नेक्स्ट ऑर्गन इज योर स्टमक, राइट? इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन. ठीक है, आई टोल्ड यू इट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन. इसकी वॉल्स में ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या है? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करना. ठीक है, हम बोलते हैं ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, उस टाइम पे क्या होता है? गैस्ट्रिक, उस टाइम पे क्या होता है? ज्यादा गैस्ट्रिक जूस जो है वो, और यहाँ HCl है वो रिलीज हो जाता है. ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, HCl, म्यूकस और एक एंजाइम. कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक हमने एक ही एंजाइम पढ़ी माउथ में, दैट इज अमाइलेज. ईसोफेगस में नो एंजाइम, थर्ड एंजाइम हम पढ़ रहे हैं कहां पे? स्टमक में, राइट? सो ये तीन चीजें गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, HCl, म्यूकस, पेप्सिन. HCl का काम क्या है? HCl का काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना. एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो क्या होता है? जो आपकी ये एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाती है. अगर HCl नहीं होगा तो आपकी पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी. आई टेल यू व्हाट्स द फंक्शन ऑफ योर पेप्सिन, बट HCl का काम क्या है? पेप्सिन को एक्टिवेट करना. ठीक है, म्यूकस का काम क्या है? फ्रेंड्स आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक स्टमक भी हमारा किसका बना हुआ है? मीट, इट्स फ्लैश, राइट? और ह्यूमंस, वी आर मीट ईटर्स, राइट? अगर हम वो खाते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमारा पेट भी तो उसी का बना हुआ है. वो खुद डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाता? बिकॉज देर आर सो मेनी एंजाइम प्रेजेंट ओवर देयर, राइट? सो म्यूकस इज द थिंग विच प्रोटेक्ट्स आर ओन स्टमक फ्रॉम डाइजेशन. ठीक है, तो ये क्या करता है?
म्यूकस क्या करता है, ये आपके पेट की वॉल्स पे एक प्रोटेक्शन लेयर बना के रखता है हमेशा के लिए, ठीक है, ताकि इसका डाइजेशन ना हो जाए। कई बार आपने एक वर्ड सुना है अल्सर्स हो गए, है ना, छोटे छोटे वूंड्स हो जाते हैं पेट में, वो क्यों हो जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हो तो ये म्यूकस वॉल जो है ये रप्चर हो जाती है और वहाँ पे आपको वूंड्स हो जाते हैं, ठीक है, उस इसलिए यू कैन थिंक व्हाई म्यूकस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ म्यूकस, और म्यूकस का काम क्या है, स्टमक वॉल को अपने ही सिक्रीशन से बचाना। HCl इज करोसिव इन नेचर, एसिडिक है, वो भी आपके पेट को कहीं खत्म ना कर दे इसलिए उससे बचाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था जो मुंह से आया वो पेट में आया, पेट में आके क्या हुआ, उसका जो प्रोटीन कंटेंट था, अभी तक मुंह में प्रोटीन की कोई डाइजेशन नहीं हुई थी, प्रोटीन कंटेंट जो था, ये जो एंजाइम थी पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये एक्टिवेट हुई और इसने प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, छोटे टुकड़ों में बांट दिया यू कैन से, ठीक है। बड़ा था उसको छोटे टुकड़ों में, लेट से एक चॉकलेट का बड़ा बार था उसको दो तीन छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद अब जो आपका पार्शली डाइजेस्टेड फूड था जिसमें आपका थोड़ा बहुत स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था और थोड़ा बहुत प्रोटीन्स, वो कहां चले गए, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए। यहां पे क्या हुआ, अब जो प्रॉपर डाइजेशन आई वुड से टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर होल एलिमेंट्री कैनाल इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। वॉट इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल इज योर होल गट, जो मैंने आपको दिखाया आपके माउथ से लेके एनस तक एक पूरी पाइप है, ठीक है, जो रोटेट होती हुई आ रही है, उस पूरी पाइप को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, 6.5 मीटर लंबी होती है ये, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है और वो दो ग्लैंड्स बड़े जाने पहचाने हैं जिनका नाम आपने सुना हुआ है, फर्स्ट वन इज योर लीवर एंड सेकेंड वन इज योर पैनक्रियाज, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीवर फर्स्ट। लीवर का काम क्या, बाइल जूस, इट्स वेरी कॉमन, जॉन्डिस हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस लेवल उसका बढ़ गया, बिलरुबिन बढ़ गया, राइट। सो ये ग्रीन येलो कलर का लिक्विड होता है, ठीक है, जिसको हम बाइल कहते हैं, जो कि बनता कहाँ है, लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में, ठीक है, फिर गॉल ब्लैडर से कहाँ आता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। सो बाइल के क्या है, दो काम है मेनली, ये एसिडिक फूड को क्या कर देता है, अल्कलीन बनाता है, बिकॉज आपके पेट में बहुत सारा HCl था तो खाना कैसा हो गया, एसिडिक, लेकिन अगर उसकी फर्दर डाइजेशन करनी है तो उसका बेसिक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो बाकी एंजाइम्स हैं वो उस पर काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए क्या होता है, वो उसको सबसे पहले क्या करता है, अल्कलीन बनाता है, ठीक है। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैट को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, लेट्स से ये फैट थे, इसके ऊपर बाइल सॉल्ट्स ने काम किया और उसको छोटे 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 ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया। अब इजी हो जाएगा इसके लिए काम करना, ठीक है। उसके बाद ये काम आ गया, अभी तक बाइल का दो काम किए उसने, उसने क्या किया, फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया और एल्कलीन मीडियम बना दिया, ठीक है। अब जो पैनक्रियाज था, ये काम तो हो गया अभी तक किसका, आपके बाइल जूस का। अब जो पैनक्रियाज था, पैनक्रिया ने क्या किया, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज किया, पैनक्रियाज ने क्या किया, पैनक्रियाटिक जूस जो है रिलीज किया, जिसमें कि कैसी एंजाइम्स थी, जिसमें एंजाइम्स थी पैनक्रियाटिक अमाइलेज, तभी मैं बार बार ऊपर बोल रही थी सलावरी अमाइलेज, मुंह में भी जो अमाइलेज है वो भी किसको तोड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट्स को, जो पैनक्रियाज की अमाइलेज है वो भी किसको तोड़ेगी, आपके कार्बोहाइड्रेट्स को, तो उसको हमने क्या बोल दिया, स्लेवरी अमाइलेज, इसको हमने क्या बोल दिया, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। और दूसरी एक तो आगे ये, सेकंड इसमें होती है ट्रिप्सिन, थर्ड इसमें होती है लाइपेज, तो इसको आपने अगर याद रखना होगा फ्रेंड्स, इसको कैसे याद रखोगे, यू कैन मेमोराइज इट लाइक
पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, तीन एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी आएगी पैनक्रियाटिक अमाइलेज, देन योर ट्रिप्सिन एंड फाइनल इज योर लाइपेज, ठीक है। और बाइल जूस का काम क्या क्या था, एक तो बेसिक एल्कलीन मीडियम बनाना, ठीक है, और दूसरा फैट ग्लोब्यूल्स बनाना, फैट को तोड़ना छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम तीनों एंजाइम्स की रिएक्शंस पढ़ते हैं, हाउ दे वर्क। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैनक्रियाटिक अमाइलेज की, वो क्या करती है फ्रेंड्स, पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च है उसको किस में तोड़ती है, डाइसेकेराइड। पॉली मतलब मैनी, डाई मतलब टू, दस दस की ग्रुपिंग थी उसको दो 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 में तोड़ दिया, पांच हिस्सों में काट दिया, लाइक वाइज, ठीक है, दो दो के पेयर्स में तोड़ दिया, जो दो दो के पेयरिंग करती बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। तो ये काम था पैनक्रियाटिक अमाइलेज का। उसके बाद काम आया ट्रिप्सिन का, जो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स कहां बने थे, स्टमक में, राइट। तो उन प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को किसमें तोड़ दिया, अगेन डाइपेप्टाइज में, दो दो की चेन बना दी, ठीक है, दो दो का पेयर बना दिया, डाइपेप्टाइज में तोड़ दिया। और लास्ट वन इज लाइपेज एंजाइम। लाइपेज ने क्या किया, लाइपेज ने फैट्स को किसमें तोड़ दिया, डाइग्लिसराइड्स। फ्रेंड्स अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको हर जगह दिखेगा डाई डाई डाई, मतलब इसने छोटा 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 कर दिया। यहां पे भी इसने क्या किया, इसको डाइसेकेराइड्स में तोड़ा, डाइपेप्टाइड्स में तोड़ा, डाइग्लिसराइड्स में, लेकिन फैट्स की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है। डाइग्लिसराइड्स अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोनोग्लिसराइड्स, मोर सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमने पढ़ा बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस की जो एंजाइम्स हैं उन्होंने क्या काम किया। नाउ इन द सेम स्मॉल इंटेस्टाइन, सेम जगह पर स्मॉल इंटेस्टाइन भी खुद के बहुत से जूसेस जो है फ्रेंड्स वो रिलीज करती है, राइट। तो उसको हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले जो स्लैव आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो जूसेस रिलीज होते हैं उनको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। उसका एक कॉमन नाम है क्योंकि उसमें बहुत सारी, इट्स अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, उसको हम कहते हैं सकस एंटेरिकस। सो सकस एंटेरिकस इज द कॉमन टर्म विच इज यूज फॉर इंटेस्टाइनल जूस, ओके। तो क्या हुआ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करेगा, और ये फाइनली क्या करेंगी, कन्वर्ट करेंगी प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड में। नाउ इट्स ओके, या प्रोटीन्स की सिंपलर फॉर्म क्या है, अमीनो एसिड। फैट्स की सिंपलर फॉर्म क्या है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लूकोज, यू कैन से दीज आर द एब्जॉर्बेबल फॉर्म, एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, ठीक है। तो इसका काम है ये करना, ठीक है, कि सारे मॉलिक्यूल्स को इजी मॉलिक्यूल्स में तोड़ दो, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ दो और वाटर सॉल्युबल बना दो ताकि डायरेक्टली वो आपके ब्लड में चली जाए। डाइपेप्टाइड्स बने थे प्रोटीन से, क्या बन गए, अमीनो एसिड, ये समझ में आ गया। प्रोटीन से पेप्टोन्स बने, पेप्टोन से डाइपेप्टाइड बने, डाइपेप्टाइड से क्या बने, अमीनो एसिड। माल्टोज जो आपके मुंह में बना था अमाइलेज की वजह से, उसने ग्लूकोज बना दिया। लैक्टोज जो दूध आप पीते हो, लैक्टिक एसिड या कर्ड खाते हो, वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। सुक्रोज आपका किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जिनका आपके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए आपका जिनका बना होता है, ये मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज ये ज्यादा अमाउंट में होते नहीं है, इसलिए तो ये याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट ये रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है। ये न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियोसाइड शुगर्स में और नाइट्रोजनस बेसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। बट डाई एंड मोनोग्लिसराइड जो फैट्स के बने थे, अगेन लाइपेज एंजाइम एक्ट करती है और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाती है। फ्रेंड्स अब याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये जो डाइपेप्टिडेजेस है,
इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज. ये जो डाइपेप्टिडेजेस है, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, दीज ऑल आर व्हाट? इंटेस्टाइनल. सो आई वुड से माल्टोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माल्टेज, इंटेस्टाइनल लैक्टेज, इंटेस्टाइनल सक्रेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज. और वहां पढ़ा था हमने पैनक्रियाटिक लाइपेज. सो दिस इज द डिफरेंस जो आपको याद रखना है. ठीक है, तो यहां पे आकर क्या होती है, सारी की सारी आपकी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है. अब ये जो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, अब इनको एब्जॉर्ब करवाना है, राइट? तो इनको एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, आपको एक टर्म याद रखनी है, इट इज कॉल्ड विलाई. विलाई इज व्हाट? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ठीक है, ये बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी माइक्रोस्कोप में देख सकते हो आप, इनको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. अगर गोट का मीट लेने आप मार्केट जाओ तो उनके पास झिल्ली कहते हैं उसको, इनके पास एक अंदर ना उसको खाने के लिए तो यूज नहीं करते वो लोग, बट इसकी इंटेस्टाइन जब रिमूव करते तो उसमें से एक झिल्ली सी निकलती है, दैट इज माइक्रोविलाई और विलाई. तो ह्यूमंस में भी सेम होता है, मैमल्स हैं हम लोग भी. तो वहां पे क्या है आपका मैक्सिमम, और यू कैन से एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाता है. इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, जो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगी. अब देखो अगर इस चीज को हम देखें, अगर ये सीधा ऐसे होता तो एब्जॉर्प्शन कितनी ही हो पाती, राइट? बट यहाँ पे बहुत सारा फोल्डिंग्स है, तो इन फोल्डिंग्स को अगर हम ओपन करें तो ये एरिया ज्यादा हो जाएगा, मतलब इस सारे एरिया पे क्या होगी एब्जॉर्प्शन, तो इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे नहीं लिखा है, ओके. क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है ये क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है ये कहाँ चला जाता है, सीधे आपके ब्लड में चला जाता है. ठीक है, और ब्लड में कैसे जाएगा, इसी माइक्रोविलाई के थ्रू जाएगा. ठीक है, या सो द ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड. अभी आपको ये समझ में आया विलाई ने क्या किया, ओके, यू प्लीज लुक एट इट्स डायग्राम, आई मिस्ड इट. ये आपकी इंटेस्टाइन है, इसको ऐसे देखो, ये पाइप, ये पाइप की तरह आपकी इंटेस्टाइन है. इसको अगर ओपन, ये पाइप है, इसको यहां से कट किया और खोल के देखो यहां से, तो ये अंदर से ऐसी दिखती है. यही चीज जो मैंने वहां बनाई थी फ्रेंड्स, माइक्रोविलाई, इस एक को हमने बड़ा करके देखा तो ये ऐसी है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है. आपका ब्लड है, ब्लड वेसल्स जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, बट लेट्स से ब्लड वेसल्स. ठीक है, यहां से क्या होता है, आपका खाना जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और कहाँ चला जाता है, इधर ब्लड में चला जाएगा. ठीक है, अब समझ में आ गया. अब जब ये डाइजेस्टेड फूड है जो कि ब्लड में जाएगा, वहां पे जाके क्या करेगा, आप इसको यूज करोगे, इट इज इट वेर इट एसिमिलेटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल्स. ठीक है, और इसको यूटिलाइज करते हैं हम एनर्जी के लिए, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर के लिए. यही तीन चीज हमने शुरू में पढ़ी थी, यही काम है न्यूट्रिशन का, आपके रिपेयर करना सेल्स के जो डैमेज हुए हैं, वूंड्स हैं, उन सबको नए सेल्स बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू टिश्यूज मतलब ग्रोथ. ठीक है, सो दिस इज योर एसिमिलेशन, दिस इज द फोर्थ स्टेप एंड द फाइनल वन इज योर इजेशन. वट एवर यू आर टेकिंग इनसाइड योर बॉडी, वट एवर यू आर ईटिंग, इट डजेंट मीन कि वो 100% आपके ब्लड में चला जाएगा, बिकॉज देर आर सो मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन दैट फूड. तो जो खाना बच गया, जो वेस्ट फूड मटेरियल है, वो क्या हो जाता है, बाहर निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज द फिफ्थ स्टेप, इट इज इजेशन. अनएब्जॉर्ब्ड फूड वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पे जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वो क्या करता है, वो वाटर को, वाटर लॉस ताकि ना हो, वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है. रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी वाया एनस. ठीक है, और एग्जिट इज ऑफ दिस वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर. स्फिंक्टर क्या है, किसी भी कोई एक ऐसे आपकी पाइप है, उसको आपने यहां से जोर से दबा दिया,
उसने उसको ब्लॉक कर दिया कि वहां पे टैप लगा दिया, तो दैट इज योर स्फिंक्टर, ठीक है, एनल स्फिंक्टर के थ्रू एनस से वो बाहर चला जाता है और उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वी कॉल इट एज फीकल मैटर. यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि पानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि कई बार जब डायरिया हो जाता है हमारे में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको वाटरी स्टूल्स आते हैं, क्योंकि आपका इंटेस्टाइन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता और वाटर उसका एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए बोलते हैं पानी पीते रहो ताकि वाटर लॉस आपको ना हो जाए. तो फ्रेंड्स अगर रिकैप्सुलेट करें, देयर आर मेनली 5 स्टेप्स, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्ब, योर इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन मतलब खाना अंदर लेना मुंह के, डाइजेशन में इट स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइलेज और माल्टोस बनाएगा, शुगर्स बनाएगा, उसके बाद इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती. आपके स्टमक की बात करें, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं, उसके बाद आप पहुंच जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे दो तरह की सिक्रीशंस आती हैं, बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस. बाइल के दो फंक्शंस हैं, फैट्स को तोड़ना और उसके लिए बेसिक मीडियम बनाना, क्योंकि पेट में बहुत ज्यादा एचसीएल होता है. उसके बाद इंटेस्टाइनल की खुद की जो इंटेस्टाइन की एंजाइम्स हैं वो फर्दर काम करती हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देंगी. इट विल गेट एब्जॉर्ब थ्रू माइक्रोविलाए और विलाए एंड देन इट विल गेट फर्दर मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे वाटर जो है एक्सेस वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी वापस, और फाइनली एनस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एनस स्फिंक्टर इट विल गेट इजेक्टेड आउट फ्रॉम योर बॉडी एज फीकल मैटर. सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सब समझ में आया है. प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज आस्क, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. ओके, विल मीट यू सून विद नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.